ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के ऑनलाइन क्लास में सीखने वाले अकाउंटिंग अकाउंटिंग सीखने वाले टेली डॉट ईआरपी 9 की क्लास में आज हम लोग एक पेहेड क्रिएट करने वाले हैं, और जो पेरोल के लिए होता है पेहेड का जो नाम है आज वाले का वो है एम्प्लॉई ईपीएफ डिटेक्शन @12%। ठीक है, ये हम लोग क्या है कि पीएफ का एक डिटेक्शन बना रहे हैं एम्प्लॉई का, और इस तरीके से ये जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ देख पा रहे होंगे ये सारा आज का टॉपिक है, और आज आप किस तरीके से ये क्रिएट कर पाओगे उसको विद प्रैक्टिकली देख पाओगे। तो उसके लिए अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है कि ये टॉपिक करने के लिए आपको अपने कंप्यूटर में tally.erp9 चालू कर लेनी है। इस आइकन पर डबल क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगी, और ओपन होने के बाद इस तरीके से एक सॉफ्टवेयर आ जाता है। उसके बाद में नेम ऑफ कंपनी में आपकी कंपनी का नाम होना चाहिए। मेरी कंपनी यहाँ पे ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, ओपन हो चुकी है। यदि आप इसको डायरेक्ट कर रहे हो, आपने पहले कंपनी क्रिएट नहीं करेगी, तो प्लीज एक बार यूट्यूब चैनल पे जाएं ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के पे, और वहां पे आपको tally.erp9 के प्लेलिस्ट में चले जाएं। वहां जाने के बाद में 1, 2, 3, 4, 5 वीडियो देख लें, उसके बाद एक कंपनी बना लें, कंपनी बना के उसको सेलेक्ट कर लें, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपकी कंपनी का नाम आ जाना चाहिए। उसके बाद में गेटवे ऑफ टेली में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपकी कंपनी में डायरेक्ट आप कर रहे हो तो यहाँ अकाउंट इन्फो और इन्वेंटरी इन्फो आएगा आपका, लेकिन पेरोल इन्फो नहीं आएगा। लेकिन आपने 129 नंबर की वीडियो देखे, यदि डायरेक्ट कर रहे हैं तो और कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपको ये ऑप्शन आ जाएगा। और 129 नंबर की वीडियो देख लें और एक बेसिक पे वाली वीडियो देख लें, दोनों क्लासें करने के बाद आपको फिर ये टॉपिक करना है, क्योंकि इसमें आपको बेसिक पे और एक्टिवेशन चाहिए होगा। जैसे यहाँ पे आपका पेरोल इन्फो नाम आ जाए तो यहाँ पे क्लिक कर लेना, और क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हेड्स पे चले जाना। पे हेड्स पे जाएंगे तो आपको क्रिएट करने के लिए क्रिएट ऑप्शन में जाना है, और यहाँ से आपसे नाम पूछा जाएगा कि आप पे हेड का नाम क्या रखना चाहते हैं। हमारे जो पे हेड का नाम है आज वो है एम्प्लॉई, और एम्प्लॉई में इसके बाद में आपको ईपीएफ जो होगा वो कैपिटल में देना है। देन इसके बाद में यहाँ दे देना है आपको डिटेक्शन, क्योंकि कटौती है ये, और डिटेक्शन हम @12% दे रहे हैं क्योंकि जो जितना परसेंट लेंगे उतना परसेंट यहाँ पे शो हो जाएगा। एंटर करेंगे, एलआईएस नेम नहीं देना है। फिर आना है पेड इन्फॉर्मेशन क्या रखनी है। पेड इन्फॉर्मेशन में जब भी आप पेड क्रिएट करें, यदि उसमें डिटेक्शन है, यदि कि एम्प्लॉय की सैलरी में से कटौती है, तो आपको यहाँ पे, और ये टैक्स वाला पार्ट है पीएफ जो होता है प्रोविडेंट फंड होता है, तो ये आपको यहाँ पे लेना है एम्प्लॉय स्टेचरी डिटेक्शन। एंटर करेंगे, जैसे ये करते हैं तो आपसे पूछा जाएगा पेहेड का टाइप क्या है। पेहेड का जो टाइप है वो, क्योंकि ये सारे के सारे डिटेक्शन या टैक्स के टाइप्स हैं, इनमें से हमें पीएफ लेना है अकाउंट नंबर 1। एंटर करेंगे, इसके बाद पूछा जाएगा अंडर, अंडर में ये लिस्ट ऑफ ग्रुप आती है, तो इसमें पूछा जाता है कि कंपनी के क्या है, वो कंपनी के लिए वो करंट लाइबिलिटीज होती है, इसलिए यहाँ पे एंटर करेंगे। देन पूछा जाएगा आपसे कि अफेक्ट नेट सैलरी, नेट सैलरी को इफेक्ट करे या नहीं, तो उसको यस करना है। और इसके बाद नेम टू बी डिस्प्ले इन पेस्लिप, पेस्लिप में क्या नेम रखना चाहते हो, जैसा रहा वैसा भी रख सकते हैं। यदि इसमें से मैं एम्प्लॉयज को नेम को हटाना चाहता हूं, तो आपको करना है अपने कीबोर्ड से यहीं पे रहते हुए धीरे धीरे डिलीट बटन को प्रेस करते जाना है, और डिलीट बटन प्रेस करने से यहाँ पे ये डिलीट हो जाएगा, और ईपीएफ डिटेक्शन @12% से आगे का पूरा मैटर आपको छोड़ देना है। यदि गलती से सारा डिलीट हो जाए तो यहाँ पे वापिस से आप लिख देना और एंटर करना। एंटर करने के बाद में बाय डिफॉल्ट कैलकुलेशन टाइप एज ए कंप्यूटेड वैल्यू उठाएगा, और कैलकुलेशन पीरियड में मंथ्स आएगा, ये आपको आप चेंज करने का ऑप्शन नहीं देगा, डायरेक्ट यहाँ आएगा। ये राउंडिंग मेथड, राउंडिंग मेथड में आपको नॉर्मल राउंडिंग लेना है, देन लिमिट के अंदर 1 ले लेना है और एंटर करना है। अब एंटर करने के बाद में आपसे पूछा जाएगा कि कंप्यूटेशन इन्फॉर्मेशन, आप जो गणना करना चाहते हैं उसकी जानकारी बताइए। कंप्यूट में हम लोगों को गणना के लिए हमको लेना है ऑन स्पेसिफाई फॉर्मूला। जब भी लेगा ये, तो यहाँ से आपसे पूछेगा कि किस पेहेड के अनुसार आप उसको कैलकुलेट करना चाहते हो। मैं इसको चाहता हूँ, और सभी आपको भी चाहना है, आप बेसिक पे यहाँ पे सेलेक्ट करना है। दूसरी बार में फिर से आपसे पूछेगा फंक्शन में, तो यहाँ पे आपको एंड ऑफ लिस्ट कर देना, एंटर करना। यहाँ पूछेगा कि इफेक्ट फ्रॉम, कब से आप इफेक्ट करना चाहते हो, इफेक्टिव रखना चाहते हो, तो हम 1 अप्रैल 2023 से हमारी कंपनी चल रही है तभी से रखना चाहते हैं, एंटर करेंगे। अमाउंट टू बी, यहाँ पे कुछ नहीं करना, एंटर प्रेस करना है, और यहाँ पे स्लेब टाइप में से आपको परसेंटेज लेना है। परसेंटेज आप लेने के बाद में आपसे पूछा जाएगा कि वैल्यू क्या है। वैल्यू मैंने यहाँ पे दिया है 12%, और ये हर फाइनेंशियल ईयर में चेंज भी होता है, इसलिए यहाँ पे आप जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसमें देख के भी यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे 12% है, एंटर करेंगे, 12% बाई डिफॉल्ट ले लिया जाएगा, एंटर करेंगे और फिर एंटर करेंगे। एंटर करने पे ये पूछेगा कि एक्सेप्ट, ये यस और सेव करने के लिए कहता है, तो यस करेंगे सेव हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये जो पेहेड क्रिएट हो जाएगा, और एस्केप से बैक आ सकते हो। यहाँ पे डिस्प्ले में जाएंगे, और डिस्प्ले में देखोगे कि वो आपका जो पेहेड है एम्प्लॉयज इफेक्ट ईपीएफ डिटेक्शन @12% बन चुका है, और क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन जो भी आपने डाली थी यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ पे आप कोई बदलाव नहीं कर सकते, अगर बदलाव करना चाहते हैं तो एस्केप की से बैक आना है,
और इस जगह तक बैक आना है जहाँ पे पे हेड के क्रिएट डिस्प्ले और अल्टर आता है। अल्टर में जाएंगे, अल्टर में जाने के बाद में आपको पे हेड का जो नेम है सेलेक्ट करना है, ईपीएफ वाला एंटर करेंगे। अब यहाँ पे जो भी बदलाव करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक बदलाव कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे नो किया, ठीक है, या फिर मैंने यहाँ पे यस किया, ऐसे मैं कोई भी चेंजेस यहाँ पे कर सकता हूँ। और चेंजेस करने पर इसको एंटर करके एक्सेप्ट करना है। और यदि आप चाहते हो कि डिलीट हो तब भी अल्टरेशन पोजिशन में अल्टर साथ डी प्रेस करेंगे और यस करते हैं, ये आपका पे हेड डिलीट भी हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे डिलीट नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे नो ऑप्शन कर रहा हूँ। और मैंने जो बदलाव किया है मुझे उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं एस्केप की से बैक आ जाता हूँ कीबोर्ड से। और इस तरीके से जो भी हमने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बनाई है वो कंप्लीट बन चुकी है। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो कमेंट्स में डाल सकते हैं यस, और नहीं आया तो आप बार बार वीडियो को देख ले, आपको समझ में आ जाएगा। और पेरोल की सारी 129 के बाद की सारी वीडियो देखे, धीरे धीरे 100%, एक बार नहीं, दो बार नहीं, पांच बार अगर देख लेते हो तो 100% आपको ये पेहेड का जो टॉपिक है या पेरोल का जो टॉपिक है 100% समझ में आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो भी कमेंट में डालें, आ गया तब भी आप डाल सकते हैं। और चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि आपको 365 दिन में 365 वीडियो कंटिन्यू मिल सके, कंटिन्यू आपकी क्लास चल सके। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पेहेड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।